हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यूजीसी नेट का रिजल्ट निकल चुका है और इसको कार्ड भी डिस्प्ले हो चुका है। आप जाके अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के साथ में डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना लॉगिन कर सकते हैं। 83 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट निकल चुका है। अगर बात करें इस कट ऑफ की, तो डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है जिनकी कट ऑफ होती है इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, वो डिस्प्ले कर रखी है और परसेंटेज के फॉर्म में भी कट ऑफ दे रखी है। वो लिंक जो है आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं आप। यूजीसी नेट 2022 सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स, ये मार्क्स का है और ये परसेंटेज का है। कुछ सब्जेक्ट्स की जो कट ऑफ होती है परसेंटेज के फॉर्म में होती है और कुछ सब्जेक्ट जो है उनकी कट ऑफ जो होती है वो मार्क्स के फॉर्म में होती है। अगर देखें यहाँ पे हम बात करें कट ऑफ की, अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, हमारा सब्जेक्ट जो है वो सोशल मेडिसिन, अगर हम उस पर देखते हैं 81, तो अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी को देखते हैं तो उसकी कट ऑफ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो गई है 180 और 52 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और अगर बात करें जीआरएफ के लिए तो कट ऑफ गई है 206, इस बार थोड़ी हाई कट ऑफ गई है। तो 180 एंड 206 काफी डिफरेंस भी है। और बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो 160 नंबर पे गई है और टोटल जो बच्चे हैं सात क्वालिफाई किए हैं 7, और कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे देखें तो 198 पे और एक बच्चे ने क्वालिफाई किया है जीआरएफ। और अगर बात करें ओबीसी की तो 166 पे गई है, 37 बच्चे टोटल क्वालिफाई हुए, 192 एंड 3 बच्चे टोटल जीआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए। एससी के लिए 154 पर गई है, 14 बच्चे जो है क्वालिफाई हुए, 188 पे जीआरएफ के लिए गई है, 2 बच्चे क्वालिफाई हुए जीआरएफ और असिस्टेंट के लिए। एसटी के लिए 156 पर गई है, 6 बच्चे क्वालिफाई हुए, 178 पे जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गई है और एक बच्चा क्वालिफाई हुआ है। तो आप ऐसे जाके लिंक से, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी देख सकते हैं, परसेंटाइल भी देख सकते हैं, आप फाइनल आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बात करें रिजल्ट की तो आप रिजल्ट भी जाके देख सकते हैं। आपको सीधे सीधा वहां पे लॉग इन करना है और नंबर डालना है। बाकी किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। थैंक यू।